असलम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है इनवर्स लपलास ट्रांसफॉर्म हमने लपलास ट्रांसफॉर्म चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर सेवन एस एम यूसुफ़ की बुक से आ, मैथमेटिकल मेथड हमारे पास बुक का नाम है एस एम यूसुफ़ की बुक है उसका हमने चैप्टर सेवन स्टार्ट किया था द लपलास ट्रांसफॉर्म हमने लपलास ट्रांसफॉर्म देखा आज के टॉपिक आज के लेक्चर में हम जब वो Uh, कौन सा टॉपिक देखने लगे इनवर्स लपलास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है नाम से ही जाहिर है कि लपलास्ट ट्रांसफॉर्म का हमने इनवर्स फाइंड करना है तो डेट इज कॉल्ड इनवर्स लपलास ट्रांसफॉर्म जैसे कि आपको पता है कि ये जी सी मेन कैंपस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स है डिफ्रेंशियल इक्वेन टू जिसमें हमारे पास ये टॉपिक इंक्लूड है तो हम जी सी मेन कैंपस फोर्थ सेमिस्टर का कोर्स कवर कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टू का तो आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको प्रॉपर मेन कैंपस के लेक्चर्स मिलने वाले हैं और उसके अलावा आप क्या करें वीडियो की सीक्वेंस के लिए प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस से पड़े हुए हैं उसके अलावा आप क्या करें वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मस्ट करें क्योंकि हम जिस मेन कैंपस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं अब हम मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है डेफिनेशन यहाँ पर हम रीड आउट करेंगे उसके अलावा आपके कोर्स में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारी एग्जांपल्स भी इंक्लूड हैं तो आज हम एग्जांपल 15 से लेकर 20 तक एग्जांपल भी करेंगे यानी कि फाइव एग्जाम्पल हम करेंगे ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स जो हैं इनवर्स प्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंड देन हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे आपके पास क्या है इफ एफ एफ एस इज द लास्ट ऑफ फॉर्म आफ फिर एफ एफ टी आपके पास कोई फंक्शन होता है एफ एफ टी इसका लप्लास्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है एफ एफ एस होता है ठीक हो क्या देन एफ एफ टी इज कार द इनवर्स लप्लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एफ एस एंड इज डिनोटेड बाय लपलास्ट इनवर्स ऑफ एफ एफ एस इक्वल्स टू एफ एफ टी अब इस सारी बात का मतलब क्या है लपलास्ट ट्रांसफॉर्म तो में हम क्या करते रहे हैं हमारे पास फंक्शन होता था एफ एफ टी की फॉर्म में जब हम इसका लपलास अप्लाई करते थे यानी कि लपलास फाइंड करते थे तो हमारे पास जो आंसर आता था वो एफ एफ एस की फॉर्म में होता था यानी कि टी से हम एस में मूव करते थे अब इनवर्स में क्या होगा एस में हमें गिवन होगी चीज़ें हमने टी में जाना है ठीक है जैसे कि देखें एग्ज़ाम्पल नंबर फिफ्टीन में क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एस की फॉर्म में गिवन है जबकि हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा वो टी की फॉर्म में आएगा इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम एफ एफ एस से एफ एफ टी पे मूव करेंगे यानी कि एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास एफ ऑफ एस बेसिकली क्या है एफ ऑफ टी का इन्वर्स है ठीक है एफ ऑफ टी इज़ द इन्वर्स लपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस एफ एफ एस का इनवर्स एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस का इन्वर्स है तो हम मूव करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर फिफ्टीन की तरफ एग्ज़ाम्पल नंबर फिफ्टीन में उसने क्या बोला है इन्वर्स फाइंड करना है लपलास इवर्स फाइंड करना है आपने फाइव एस ओवर एच के प्लस फाइव का तो हम जो वो इसका इन्वर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे सिंपली आपको इंटीग्रे आपको लपलास के फार्मूलास याद होने चाहिए उसके अलावा आपको लपलास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आपको लपलास कैलकुलेट करना आता है तो लपलास इन्वर्स तो बहुत ईजी है उसका उल्ट होता है ठीक है उसका अपोजिट है तो आप इन्वर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई मसला नहीं होना चाहिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको लपलास कैलकुलेट करना आता है तो इसका इन्वर्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन के सोल्यूशन की तरफ तो देखें आप एग्ज़ाम्पल नंबर फिफ्टीन में हम सबसे पहले लेते हैं हमारे पास फंक्शन यानी कि आपके पास एफ ऑफ एस क्या है हमारे पास एफ ऑफ एस है एफ ऑफ एस इक्वल किसकी है फाइव एस ओवर एस के प्लस फाइव की तो यहाँ पर हमने इसका लप्लास इन्वर्स फाइंड करना है तो फाइव कॉन्सेंट है इसको साइड करते हैं हमने कुछ टर्म्स ऐसी बनानी होती हैं जिसका हम जब वो टी की फॉर्म में हमने बेसिकली जाना है तो हमने क्या किया फाइव को साइड कर दिया एस ओवर एस के प्लस स्केट ऑफ आफ फाइव होल्स के लिख दिया क्योंकि यहाँ पे फाइव था फाइव को हम लिख सकते हैं स्क्यूट ऑफ फाइव होल्स के ठीक है यहाँ पर ऐसे हमने लिख दिया हमने इसका लपलास लप्ला, इनवर्स फाइंड करना है तो हमें पता है कि फाइव इंटू लपलास इनवर्स अप्लाई करते हैं इस पर तो ये किसके इक्वल होता है ये बेसिकली होता है कॉज ऑफ ऑफ टाइव पावर टी के अब ये आपको कैसे पता चला देखिए आपके पास लपलास ऑफ कॉज ऑफ ए टी इक्वल होता है लपलास ऑफ कॉज ऑफ ए टी इक्वल होता है एस ओवर एसकेयर प्लस एस के ठीक है एस स्यर ओवर एस के अब देखिए यहाँ पर एस एस मौजूद है एस के भी है ए की जगह क्या है स्क्योरिटा फाइव है स्क्योरटा फाइव होल स्केर है अब इसको हम इस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो देखें आपके पास फाइव ये बाय वाला एज yes इट है कॉज ऑफ ए की जगह क्या है स्क्योरिटा फाइव है और साथ टी है डैट इज़ कॉल्ड इनवर्स लास्ट ट्रांसफॉर्म ठीक है अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में था एस फॉर्म में था हम किस किस फॉर्म में ले आए हैं इसको टी फॉर्म में ले आए हैं यही हमने इनवर्स में करना है ठीक है बेसिकली पहले हम क्या करते थे हमें क्वेश्चन कौश, जो है वो टी की फॉर्म में गिवन होता था हम उसको एस की फॉर्म में लेकर जाते थे तो वो आपके पास लपलास ट्रांसफॉर्म था अब इसका ऑपोजिट करना है तो हमें क्वेश्चन जो है एस की फॉर्म में गिवन है हमने टी की फॉर्म में इसका आंसर लाना है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन है फाइंड द लपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस के प्लस टू एस माइनस फिफ्टीन तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एस कंसि ले, ले लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एस क्या क्या है वन ओवर एस के प्लस टू एस माइनस फिफ्टीन ठीक है हमने ये ले लिया फंक्शन ले लिया अब हमने क्या किया इसकी फैक् फैक्ट्राइजेशन की है तो आपके पास एस प्लस फाइव इंटू एस माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज़ करनी आती है जहाँ पे वन ओवर डी नोमिनेटर में कुछ भी वन ओवर बेशक ना हो हम ऐसी कंडीशन देखें जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लग सकती है तो वहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास क्या आ गया एवर एस प्लस फाइव प्लस बी ओवर एस माइनस थ्री आ गया आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉपर यूज़ करेंगे और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन ओवर एट और बी की वैल्यू भी आपके पास वन ओवर एट आ जाएगी ठीक है यानी कि दोनों की वैल्यूज आपके पास वन ओवर एट आ जाएगी तो यहाँ से हमने वन वन ओवर एट जो है वो कॉमन एरिया एक की वैल्यू वन ओवर एट आएगी और एक की माइनस वन ओवर एट आएगी ठीक है तो हमने क्या किया ए की वैल्यू माइनस वन ओवर एट है और बी की वैल्यू वन ओवर एट है हमने वन ओवर एट दोनों टर्म से कॉमन ले लिया आपके पास अंदर क्या बचा वन ओवर एस माइनस फ्री माइनस वन ओवर एस प्लस फ्री आ गया यहाँ पर हम क्या करेंगे वन ओवर एट तो दोनों टर्म के साथ जो है वो कॉन्स्टेंट है तो हम दोनों टर्म के साथ लिख देंगे उसके अलावा लपलास हमने अप्लाई कर दिया लपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस माइनस फ्री और लपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस प्लस फाइव लपलास अप्लाई करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है वन ओवर एस माइनस वी है जैसे कि हम फर्स्ट शिफ्टिंग लगाते हैं अब इसका ऑपोजिट करना है फर्स्ट शिफ्टिंग कहाँ पर लगते थे जहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था अब इसका ऑपोजिट करें देखें एस एस माइनस वी है तो इट मीनस ई की पावर क्या आएगी प्लस थ्री आएगी और सार्ट टी आ जाएगा देख लें आप यहाँ पर इसी तरह से लिखा हुआ है यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग का ऑपोजिट हमने यहाँ पर करना है वन ओवर थ्री ई रेस्वा थ्री टी माइनस वन ओवर एट सॉरी वन ओवर एट है ई रेस्टवा माइनस फाइव ओवर एट और ये आपके पास आंसर है ठीक है क्योंकि हम लाप्लास इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो हम सारा का सारा का हम कर रहे हैं जैसे हम लाप्लास में करते हैं उसका उल्ट कर रहे हैं आप ठीक है नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 है लाप्लास इनवर्स से रिलेटेड ही हमारे पास एग्जाम्पल है लाप्लास इनवर्स हमने फाइंड करना है थ्री एस प्लस सेवनटीन ओवर एस के प्लस एट एस प्लस ट्वेंटी फाइव तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने जो है या फैक्ट्राइजेशन करते हैं अगर फैक्ट्राइजेशन पॉसिबल ना हो तो हम कंप्लीटिंग स्केर इस टाइप का करते हैं तो यहाँ पर हमने एस प्लस फोर होल्स केयर uh, प्लस थ्री स्केयर हमने बना दिया कंप्लीटिंग स्केय करके डिनोमिनेटर में और ऊपर हमने क्या किया देखिए हमारे पास थ्री एस था तो थ्री एस हमने लिखा प्लस आ, आपके पास सेवनटीन है तो सेवनटीन को आप ब्रेक कर सकते हैं ट्वेल्व प्लस फाइव में तो यहाँ से थ्री कॉमन ले लें ले तो एस प्लस फोर आ जाएगा और प्लस फाइव अलग से लिख दिया तो ये साइट हम आपके पास न्यूमिनेटर में लिखी हुई है अब हम यहाँ का यहाँ पर क्या करेंगे इस टर्म के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे और फाइव के साथ डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे और यही काम हमने किया है देखें थ्री हमने बाय लिख दिया लपलास इनवर्स एच प्लस एस प्लस फोर ओवर एच प्लस फोर होल्स के प्लस थ्री होल्स के प्लस फाइव इंटू लप्लास इनवर्स वन ओवर एस प्लस फोर होल्स के प्लस थ्री होल्स के लिख दिया ठीक है अब हमने क्या किया यहाँ पर क्या है एच प्लस फोर है ठीक है तो यहाँ पर प्लस फोर है तो फर्स्ट शिफ्टिंग में क्या आगा ई रिश्वा माइनस फोर आ जाता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग का इन्वर्स लगेगा तो ई देखें थ्री ई रिश्वा माइनस फोर टी आ गया और हमने लपलास इन्वर्स किसका फाइंड कर लेना है एस ओवर एस स्केयर प्लस थ्री आ, थ्री होल स्केयर का यहाँ पर क्या है हमारे पास देखें यहाँ पर हमने अगेन फर्स्ट शिफ्टिंग वही फर्स्ट शिफ्टिंग का ऑपोजिट लगाना है देखें यहाँ पर अब ये थ्री कैसे आया हमने थ्री को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो यहाँ पर फाइव बाई थ्री आ गया और साथ ही रिश्ता माइनस फोर टी आ गया जैसे कि यहाँ पर आया था इसी तरह से यहाँ पर भी और अंदर क्या बच गया थ्री ओवर एच स्केर प्लस थ्री होल स्केर आ गया अब देखें यहाँ पर यहाँ पर जो जन्वर्स है ये किसका क्लोज होता है कॉज ऑफ एट ई का काज ऑफ़ ए टी के अकॉर्डिंग ए की जगह यहाँ पर क्या है थ्री है तो देखें थ्री ई रेस्ट पावर माइनस फोटी काज ऑफ थ्री टी आ गया और नेक्स्ट क्या है फाइप थ्री ई रेस्ट पावर माइनस फोर टी है और साथ आपके पास ये साइन ऑफ ए टी का क्लोज होगा आप बेशक फॉमूला देख सकते हैं तो आपके पास साइन ऑफ थ्री टी आ गया और यहाँ पे पास आंसर है यहाँ पे पास लप्लास इनवर्स आ गया अब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि लपलास इनवर्स में क्या है हमें एस की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है हमने टी की फॉर्म में लाना होता है और सारे के सारे फॉर्मूलाज सारी की सारी चीज़ें हमने ऑपोजिट करनी होती हैं ठीक है लपलास से ऑपोजिट जाएंगे तो लपलास इनवर्स आ जाएगा तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर ट्वेंटी है एग्जांपल नंबर एटीन और नाइन्टीन ये आपका असाइनमेंट वर्क है एस एम यूसफ की बुक से आप जो है एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन ट्वेंटी सॉरी एटीन और नाइनटीन आप कर लेंगे हम करने लगे एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी ठीक है जैसे कि आपको पता है हम जी सी मेन कैंपस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन टू का तो आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर मस्ट करें तो हम जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या है लपलास इन्वर्स ऑफ वन ओवर एस की इन टू एस केयर माइनस ए एस है तो हमने इसका लपलास इन्वर्स फाइंड करना है सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर Uh, यहाँ पर हमने अगेन पार्शियल फ्रेक्शन यूज़ करेंगे तो पार्शियल फ्रेक्शन जब आप इसकी करेंगे ठीक है तो आपके पास क्या आ जाएगा वन ओवर ए स्कीयर इंटू वन ओर एस केयर माइनस एस के माइनस वन ओवर एस स्यर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पार्शियल फ्रैक्शन करनी है पार्शियल फ्रैक्शन तो आप नाइन्थ क्लास से पढ़ रहे हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर होगी डेफिनेटली तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ईजीली कर सकते हैं तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी यहाँ पर मैं आपको क्या सिखा रही हूँ लप्लास इनवर्स कैसे लेना है तो देखिए यहाँ पर लपलास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो वन ओवर ए स्केर तो कॉन्स्टेंट है ये तो बहरा आ गया लपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस के माइनस ए इसकेर आ जाएगा माइनस वन ओवर एस के लपलास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस केयर आ जाएगा ठीक हो गया अब यहाँ पर देखिए वन ओवर यहाँ पर वन ओवर ए क्यूब कैसे आया देखिए हमने क्या किया लपलास इनवर्स इसका करेंगे तो ओवर एस के माइनस ए स्केयर हमें चाहिए तब हमारे पास साइन हाइपोबोला ए डिया था तो हमने एक ए को ख़ुद से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए स्कीयर था तो ए स्केयर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब हो जाएगा तो वन ओवर ए क्यूब आ गया और साथ आपके पास साइन हाफ बोला ए टी आ गया नेक्स्ट आपके पास माइनस वन ओवर ए स्केर तो एज इट अब यहाँ पर क्या है वन ओवर एस केयर वन ओवर एस केयर किसका लप्लास होता है आ, इसका लप्लास क्या होता है यानी कि ये टी का लप्लास क्या होता है वन ओवर एच केयर होता है हमने इसके ऑपोजिट जाना है तो यहाँ पर टी लिख देंगे और ये आपके पास आंसर है तो देखिए स्टूडेंट्स हमने लपलास इनवर्स देखा उसके अलावा हमने एग्ज़ाम्पल फिफ्टीन से ट्वेंटी तक देखी जो कि एग्जाम्पल मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है आपके आउटलाइन में इंक्लूड है ठीक है जिसकी मेन कैंपस फोर्थ सेमेस्टर की आउटलाइन में इंक्लूड है तो आपने ये सारी की सारी करनी है अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज एलेवन पॉइंट टू के वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड होंगे जब हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू करेंगे ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज